जगाधरी विधानसभा से नवनियुक्त विधायक थे श्री कंवरपाल गुज्जर, हरियाणा सरकार के वन एवं शिक्षा मंत्री थे, जिनका वीडियो वायरल हुआ था और उन्होंने कहा था कि किस तरीके से आप लोग जगाधरी की सड़कें इस तरीके से इतनी बढ़िया सड़कें हैं कि आप लोग अगर एरोप्लेन तक लैंड कराना चाहें तो आप एरोप्लेन तक लैंड करा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए एरोप्लेन तक लैंड कराने का कोशिश किया गया है। मक्खन जैसी सड़कों का कहना था कि मक्खन जैसी सड़कें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ कहते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ये बयान दिया था कि जगाधरी विधानसभा की सड़कें इतनी बढ़िया हैं कि चाहे आप उन पर जहाज लैंड करवा लो। तो हमने यार, हम वैसे लोगों को यकीन नहीं आएगा, इस बार हम भाजपा के नेताओं की बातों से सहमत हैं। ये देखो जी, आज ये जहाज लैंड हो गया सड़कों पर। ये देखो जी किस करोड़, ये देखो जी जहाज लैंड हो रहे हैं आज सड़कों पर, आप देख सकते हैं ये जहाज, देखो जी ये देखो, ये देखो जी। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि जहाज जो है लैंड होते हुए ना जहाज हिचकोले खा रहे हैं, उसी तरह आज भाजपा सरकार भी हिचकोले खा रही है जिस तरह ये जहाज हिचकोले खा रहे हैं। ये आज सच्चाई से हमने रूबरू कराया आप लोगों को, जहाज लैंड करवा दिया हमने जगाधरी की सड़कों पे। मंत्री बनना, स्पीकर बनना, फिर भी सड़कों के जर्जर हालात है, क्या ये कहीं ना कहीं उनकी नाकामियों को नहीं गिनाता एक तरीके से। मैं एक छोटी सी राहत इंदौरी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो कहकर अपनी बात सत्ता में बैठे के लोगों के कानों तक पहुंचाना चाहूंगा। वो कहते हैं, जो तौर है दुनिया का उसी तौर में बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर में बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। तो सत्ता में बैठे लोग जब बहरे हो जाते हैं, वो जनता की दर्द की आवाज़ को सुन नहीं सकते और अंधे हो जाते हैं कि धरातल के हालातों को देख नहीं सकते, तब हमें इस तरह के एक्ट्स का सहारा लेना पड़ता है कि शायद इन एक्ट्स के माध्यम से ही उन लोगों तक जनता की दर्द की आवाज़ पहुंच सके और धरातल के जो हालात हैं वो उनकी आंखें देख सके। जी, जगाधरी विधानसभा है, शिक्षा मंत्री हैं, इतने बड़े, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई, एक भी अच्छा कॉलेज नहीं बन पाया, एक भी अच्छा स्कूल नहीं बन पाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सड़कें तो हैं, क्या विकास किया 10 साल में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनकी शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं है, विल पावर ही नहीं है लोगों से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर कुछ काम करने की। सबसे बड़ा इसका कारण ये है, जब सत्ता में बैठे लोग आम लोगों की बुनियादी दिक्कतों से इग्नोरेंट हो जाते हैं, उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं, तो हालात ऐसे ही होते हैं। वो सरकार जिसके पास अथाह शक्ति है, अथाह ताकत है, अथाह फंड्स है, अगर वो चाहे तो कुछ ही दिनों में धरातल के हालात बदल सकते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, कुछ स्कूल भी बंद करवा? तो एयरप्लेन लैंड हो चुके हैं, ये वो सड़कें हैं जो शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुज्जर के विधानसभा क्षेत्र की हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि कहा गया था कि आप लोग यहां पर इतनी मखमली सड़कें हैं कि आप लोग यहां पर एरोप्लेन उड़ा। गगन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज एरोप्लेन की तरफ शुरू हो गए? बिल्कुल, मंत्री जी ने एक बयान दिया है कि हमारी जगाधरी विधानसभा की सड़कें इतनी सुंदर और इतनी अच्छी हैं कि यहाँ पर जहाज बिल्कुल आसानी से लैंड कर सकते हैं। तो हम ये इन लोगों को, जो एसी दफ्तरों में बैठने वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले लोग हैं, जिनको खड्डों का बिल्कुल भी पता नहीं लगता जब यहाँ से गुजरते हैं, तो हम ऐसे ऐसे एक्ट करके इनको, इनके जो बहरे कान हैं उनको सुनाना चाहते हैं कि जाग जाओ, जनता के काम करो, नहीं तो जनता आपको 2024 बिल्कुल नज़दीक है, आपको सत्ता से उखाड़ने का काम करेगी। कहीं ना कहीं कितने नुकसानदायक ये पत्थर हो सकते हैं, जो व्यक्ति हैं कोई गिर जाएगा, कोई कट जाएगा, कोई कहीं ना कहीं मतलब कि एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। एक सरकारी आंकड़ा है कि जो ये पोर्ट होल्स होते हैं, हर साल इसके कारण 10,000 लोगों का एक्सीडेंट होता है और जिसमें से 2500 लोग जान गंवा बैठते हैं, और 2020 में 3,564 लोगों ने इन पोर्ट होल्स के कारण अपनी जान गंवाई है, जो कि इतना मतलब उसमें जो डेथ हुई थी वो युवा ज़्यादा थे जो अपना घर चलाते हैं। तो सरकार को जागना चाहिए, अपनी मतलब जो ये स्थिति है इनको सुधारना चाहिए। तो जी हाँ, ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट दिखाई थी कि मंत्री महोदय ने ये कहा था कि हम लोग यहाँ पर जहाज उतार देंगे, लेकिन किस तरीके से आप, राहुल क्या कुछ लगता है समस्याएं आपके पास? समस्याएं देखो बहुत हैं, समस्याएं अगर गिनवाने बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ धरातल पे ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी हाँकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी देखी जाए तो जीरो वर्क है इनकी तरफ से।
सत्ता में ये लोग हैं, सेंटर में ये लोग बैठे हैं, फंड्स इनके पास हैं, सब कुछ है, मुझे समझ नहीं आता ये लोग काम क्यों नहीं करना चाहते। स्कूल्स की हालत देख लो, अब देखो 105 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। अगर हम मैंने कई स्कूल्स भी विजिट किए, ना बच्चों के लिए वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ना टॉयलेट्स अच्छे हैं, अब ना टीचर्स हैं, तो वो स्कूल्स बंद तो बच्चे वहाँ पे अपने पेरेंट्स पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे क्यों भेजेंगे ऐसे स्कूल में जहाँ पे टीचर्स ही नहीं है, जहाँ पे पीने की व्यवस्था पानी की नहीं है, जहाँ पे टॉयलेट्स अच्छे नहीं है। तो जी हाँ, बुनियादी सुविधा सर क्या कुछ लगता है, आप भी आम आदमी, आप भी जाते हैं, आप भी इधर उधर घूमते हैं और यहाँ पे तो है हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। जब शाम को या सवेरे जाते हैं, ट्रक जो है साइडों में ऐसे चलते हैं जैसे डांस कर रहे हो, ये कई बार ऐसा होता है, ये अब पलटा अब पलटा, सड़क नहीं है यहाँ सर, तो सड़क के विकास के नाम पर आप लोगों ने वोट दिया था, क्या विकास दिख रहा है? अब तो आपको दिखाई दे रहा है, हम क्या कह सकते हैं, सबको दिखाई दे रहा है विकास है या विनाश है। चौधरी कंवर पाल गुर्जर शिक्षा मंत्री भी है, पैसा बहुत आता है लेकिन विकास तो हो ही नहीं पा रहा है। नहीं सर, हम उनको कहते हैं, वो तो रोज की चक्कर लगाते हैं, दो तीन चक्कर तो उनका रोज है, अपने आप ही रोज चक्कर लगाते हैं, गाड़ियों में बैठे रहते हैं, उनको दिखता नजर नहीं आता, दिखाई सब देता है, ये नहीं पता करते क्यों नहीं, करते क्या है, तो दिखाई सब देता है करते क्या है। आप लोग देख सकते हैं ई रिक्शा वाले, तब आदमी इन सड़कों की वजह से यहाँ पर तंग है, सड़कों की वजह से समस्याओं का निवारण होता हुआ नजर आता है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, काफी दिक्कतें हैं, निवारण नहीं हो पा रहा, सत्ता पक्ष की पार्टी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर कहने को ये बताओ, ये युवा खड़े हैं, भाई साहब खड़े हैं आज सुबह भी, मतलब इन इतना इंपॉर्टेंट मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय, उसके बावजूद क्या आप देख रहे हो हमारे क्षेत्र से, हमारे ही क्षेत्र में इनका गांव जो है, हमारे शिक्षा मंत्री जी का गांव है, उसे तीन गांव छोड़ के ही आज वहाँ ये स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि हम जो ये स्कूल बंद कर रहे हैं उसमें बच्चे कम है और अध्यापक ज़्यादा हैं, पर आप सुबह देखते वहाँ 180 बच्चे हैं, उन्होंने स्कूलों में ताड़े लगा दिए हैं जान के, हाँ नहीं नहीं बच्चों ने ताड़े लगा दिए और पूरा गाँव, पूरे गाँव की औरतें सब कुछ वहाँ पे इकट्ठे हो गई हैं, हमने उनको जाके अपना आश्वासन दिया, सब तरीके से दिया, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ ताले नहीं खोलेंगे, सिर्फ एक अध्यापक है और 180 बच्चे, तो ये अपने बयानों पे खुद ही फंसते हैं। ठीक है, तो समस्याएं आखिर काफ़ी है लेकिन निवारण समस्याओं का काफ़ी ज़रूरी है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा था, शेयर ज़रूर करते रहिएगा, समस्याएं काफ़ी हैं, ई रिक्शा चालक परेशान है, आम आदमी परेशान है, सड़कों के जर्जर हालात हो चुके हैं और सड़कों के हालातों को देखते हुए आज एरोप्लेन तक यहाँ पर लैंड होते हुए नज़र आ रहे थे। जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं शेयर ज़रूर कीजिएगा, तो आप मुझसे हमको दे दीजिए इजाज़त, बने रहे iBIN24 के साथ, नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।